हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो स्टार्ट कर दें आज की वीडियो। इस वीडियो में समझेंगे हम सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स एंड एडिशन फैक्ट्स। इससे पहले हमने समझा था सब्ट्रैक्शन ऑफ जीरो। सब्ट्रैक्शन ऑफ जीरो में क्या था, हम किसी नंबर को जीरो से किसी नंबर में जीरो माइनस करते हैं तो एज इट इज़ वही हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। और इसके बाद हमने समझा था अगर हम उस नंबर में से सेम एज इट इज उसी नंबर को माइनस कर दें तो हमारे पास जीरो आ जाता है, ठीक है। अब आज की वीडियो में समझेंगे हम सब्ट्रैक्शन एडिशन फैक्ट। तो समझते हैं, स्टार्ट कर दें। सब्ट्रैक्शन एडिशन फैक्ट, देयर आर टू सब्ट्रैक्शन फैक्ट ईच ऑफ ईच एडिशन। There are two subtraction fact of each addition. जब आप एडिशन करते हो, जैसे कि इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल ये दिया है, जिसमें क्या किया, सिक्स में से सिक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू नाइन, ये आपके पास दिया है, ठीक है। सिक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू नाइन। अब नाइन में से आप अगर सिक्स माइनस करती हो तो थ्री बच रहा है, और इसी नाइन में से आप थ्री माइनस करती हो तो सिक्स बच रहा है। यानी आप नाइन में से थ्री माइनस करते हो तो सिक्स बचेगा, और नाइन में से सिक्स माइनस करोगे तो थ्री बचेगा। इट इज अ टू सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स ऑफ एडिशन। जब आप टू नंबर्स को ऐड करते हो तो आपके पास जो नया नंबर आता है उस नंबर में से अगर आप पहले नंबर को घटाओगे तो दूसरे नंबर वाला आंसर होगा, और दूसरे नंबर को घटाओगे तो पहला वाला आंसर होगा। आप जैसे कि इसको अच्छी तरीके से देखकर समझ सकते हो, जैसे मैंने ये समझाया है, ठीक है। अब ऐसे ही हम नेक्स्ट एग्जांपल लेके इसको समझेंगे, ठीक है। जैसे कि इसमें फाइव प्लस थ्री इज इक्वल टू एट, अब आप इस एट में से अगर फाइव को घटाओगे, फाइव को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, थ्री। ऐसे ही अगर आप इस एट में से थ्री को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आएगा फाइव। आई होप आप इस टू सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स को, जब हम एडिशन करते हैं टू नंबर्स का, तो हमारे पास जो आंसर आता है उसमें से अगर पहले वाले नंबर को घटा रहे हैं तो दूसरा वाला नंबर आंसर है, ठीक है। अगर दूसरे वाले नंबर को घटा रहे हैं तो पहला वाला आंसर है, डन। सो दिस इज अ टू सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स, और इट इज अ फैक्ट ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इसमें ऐसी थ्री एग्ज, अब इन्होंने क्या किया है, माइनस किया, सब्ट्रैक्शन किया है। अब नाइन में से इन्होंने फोर सब्ट्रैक्ट किया है और इनका आंसर फाइव आ जाए। अब ये क्या कर रहे हैं, फाइव में फोर ऐड करेंगे तो आप इनके पास क्या आंसर आएगा, नाइन। एंड फोर में फाइव ऐड करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा, नाइन। तो इट इज अ सब्ट्रैक्शन फैक्ट। जब एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो एडिशन के, अब इन्होंने इधर सब्ट्रैक्शन किया है तो एडिशन के टू फैक्टर आ गए, और पीछे वाले पेज पे इन्होंने क्या किया था, एडिशन किया था तो ये टू सब्ट्रैक्शन फैक्ट आ गए, ठीक है। तो इट इज अ फैक्ट ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो चलिए इस पर वेस्ट इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं।
अब इन्होंने क्या किया है, ये क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर ए में क्या सॉल्व करना है, राइट अ सब्ट्रैक्शन फैक्ट ऑफ। जब इन्होंने एडिशन करके दिया है, जब हमें क्वेश्चन में मिलेगा एडिशन किया हुआ, तो हमें क्या करना होगा, तो हमें इनके सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स लिखना पड़ेंगे। तो 7 + 2 = 9, ये आपके पास क्वेश्चन है। अब इसको यहीं से सॉल्व करना है आपको, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन फैक्ट लिखते हैं, ये तो हो गया एडिशन। अब लिख देंगे सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन फैक्ट। अब सब्ट्रैक्शन फैक्ट में क्या करना है आपको, 9 में 2 माइनस करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, 7, एंड 9 में 7 माइनस करोगे तो आपके पास आंसर बचेगा 2। तो इट इज़ अ 2 सब्ट्रैक्शन फैक्ट। इसी तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और इसकी पीडीएफ आपके पास अवेलेबल कर दी जाएगी, ठीक है। अब वैसे एडिशन वाला, अब आपको एडिशन फैक्ट लिखना है। जब आपके पास सब्ट्रैक्शन दिया हुआ होता है तो एडिशन फैक्ट लिखना होंगे। अब 7 - 2 = 5, अब एडिशन फैक्ट, ठीक है। तो एडिशन फैक्ट कैसे लिखोगे आप, 5 में आपको क्या करना होगा, 2 + करोगे तो 7, और 2 में 5 + करोगे तो 7। इट इज़ अ सब्ट्रैक्ट एडिशन फैक्ट, ठीक है। सो फिनिश करते हैं इस वीडियो को। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा, और अगर आपसे इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें मैसेज कर कर बता सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है टेस्ट एरेना। इस टेस्ट को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आपने जब पूरी एक्सरसाइज में जो पढ़ा है उससे रिलेटेड आपके पास ये सब कुछ है, जैसे कि 1 by 1 हमने पार्ट्स में वीडियोस बनाई हैं, तो उन वीडियोस के सारे पार्ट्स को आपको एक बार वॉच करना है और इन सबको सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप ये सब आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगर इसमें से कुछ भी आपको और समझ में नहीं आता तो आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।